और साप्ताहिक भागवत जब उसने सुनी ना मेरी माँ, 7 दिन की भागवत धुंधकारी ने बांस की ग्रंथी में जाकर बैठकर सुनी, और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, पहले दिन की कथा में बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी गांठ। ये 7 गांठें क्या हैं? हमारे भीतर भी गांठ पड़ी है। कौन सी गांठ? यदि धागे में गांठ पड़ जाए तो क्या उसे धागे को आप सुई के छेद में डाल सकते हैं? ये धागा है, अब हमें सुई में डालना है, तो धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि गांठें हैं तो सुई के छेद से वो जाएगा नहीं, आना का नहीं करेगा। मेरी माँ, जैसे धागे में यदि गांठ पड़ जाए ना तो सुई के छेद में नहीं जाता, ऐसे ही जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह की गांठें होती है ना, भगवान उनके भीतर नहीं जाता। मैं तेरे भीतर आके क्या करूंगा? तेरे अंदर तो गांठ है, पहले वो गांठ खोलो। भागवत क्यों सुनाई जाती है? ताकि गांठें खुल जाएं। धुंधकारी बांस की गांठ खुल गई, पहली गांठ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन कौन सी हमारी गांठें हैं सुनिएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजही जेहि संत। काम क्रोध लोभ मोह, ये काम जो है ना, ये गांठ है। कथा सुनने के बाद यदि आप योगी, कथा के बाद योगी नहीं बने, भोगी ही बने रहे, तो कथा का क्या अर्थ? कथा क्या करती है? भोगी को योगी बना देती है, काम की गांठ को मिटा देती है। कथा सुनने के बाद मैं यहां निवेदन करूंगा, मेरी मां, आप जितनी यहां मेरी मां बैठी हैं और भाईजन बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के 7 दिन बाद यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आज के 7 दिन बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा। उस गुस्से को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी, हम गुस्से को ठीक करके जाएंगे। 7 दिन तक आप कथा सुनिएगा, 7वें दिन में आपसे बात करूंगा, 7 दिन बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, डॉक्टर ने बीमारी का इलाज किया, ऑपरेशन किया, वही डॉक्टर अच्छा जिसका मरीज खुद कहे कि हाँ साहब आराम लग गया हमें, वो डॉक्टर सबसे अच्छा। आप 7वें दिन खुद कहोगे कि हाँ अब हमने क्रोध पर कुछ कंट्रोल किया है, वो 7 दिन बाद हम आपसे पूछेंगे। ये धीरे धीरे गांठ, पहले दिन की कक्षा में कुछ गांठ खुल जाए, दूसरे दिन की कक्षा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सरता, ये कितनी गांठ है, निंदा चुगली कपट छल क्या क्या नहीं हमारे भीतर, एक एक गांठ भी मिटे तो कल्याण हो जाए। 7 गांठ फटी, एक दिव्य पुरुष निकला, विमान पर बैठा, गोकर्ण जी ने कहा भाई रुको, पहले कौन हो अपना तो परिचय दो। धुंधकारी ने कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत बना भटक रहा था, आपने भागवत सुनाई तो मेरा उद्धार हो गया। गोकर्ण जी ने कहा भागवत से आपका उद्धार हो गया? बोले हाँ। धुंधकारी जब जाने लगा, विमान पार्षदगण ले जाने लगे, तो धुंधकारी गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा भैया जी कथा इन सबने सुनी है, पर उद्धार केवल धुंधकारी का आप कर रहे हैं, सबका क्यों नहीं कर रहे? तब कहा कि कथा भले सबने सुनी है पर उद्धार केवल धुंधकारी का होगा, क्योंकि इन्होंने कथा को सुनी तो है पर सुनने के बाद उसका चिंतन किया है, मनन किया है। डॉक्टर दवाई दे और आप जेब में रख लो तो आराम नहीं लगेगा, समय समय पे खाना पड़ेगा साहब। गुरुजी जो बात बताएं सुनने से काम नहीं बनेगा, जो मार्ग बताएं उसमें चलोगे तो निश्चित कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, निश्चित परमात्मा तक पहुंच जाओगे। वो मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, चरितार्थ करना पड़ेगा, उस ज्ञान को हृदयंगम करना पड़ेगा, हृदय में धारण करना पड़ेगा। है ना मेरी माँ? हाँ जी। श्री गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। एक बाजार में एक राजा ने देखा 2 मूर्तियां रखी थी, एक सी दिखती, एक सी वजन, एक सा सब। राजा ने कहा भाई कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत है 100 रुपए और इसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। राजा ने कहा भाई दोनों का वजन एक साथ, चमक एक सी, आकार रंग स्वरूप एक सा, पर अंतर इतना क्यों? तब कहा देख लो आप। तो एक मूर्ति के कान से एक धागा डाला गया, तो उसके कान से एक कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गया,
ये मूर्ति कितने की थी? बोलो, 100 रुपए की। और दूसरी मूर्ति थी, उसके कान से धागा डालो तो डालते जाओ वो निकलते ही नहीं, समाता जा रहा है अंदर। ये कितने की है? 1,00,000 रुपए की। जो आदमी कथा इस कान से सुन के इससे निकाल दे, वो आदमी 2 कौड़ी का, और जो कथा को हृदय में धारण करके जीवन जिए, वो आदमी महान है, वही ईश्वर को प्राप्त करेगा, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो आप कौन से श्रोता हैं, वो आप खुद निर्णय लीजिएगा, एक से सुन के निकालने वाले या दोनों से सुन के धारण करने वाले। श्री धुंधकारी का उद्धार हुआ, दूसरी बार भागवत सुनाई गई, दूर दूर से देवी देवता आए और खूब मस्ती से झूमने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, भाव से नाचने लगे।